हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चने कब कैसे कितने खाएं और चने के फायदे के बारे में और चने के बाद कौन सी दो चीज नहीं खानी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह उठकर भीगे हुए चने खाने चाहिए। भीगे हुए चने कई लोग खाते हैं, कुछ लोग जिम करने के बाद खाते हैं तो कुछ लोग इसे नाश्ते के रूप में लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप रोजाना भीगे हुए चने खाएंगे तो आपको कितने फायदे मिलेंगे? अगर आपको नहीं पता तो आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, चने किस समय खाने चाहिए? चने खाने का सही समय सुबह होता है। खुद को फिट रखने के लिए रोज सुबह सुबह खाली पेट चने खाने चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट भीगे चने खाने से आपके खून में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ साथ शरीर भी हष्टपुष्ट रहता है। क्या है चने खाने का सही तरीका? दोस्तों, आपकी एक मुट्ठी में जितने चना है उसे लेकर साफ कर लें। इन्हें मिट्टी या चिकनी मिट्टी के बर्तन में डालकर ऊपर से इतना साफ पानी डालें कि पूरी तरीके से भीग जाएं। रात भर चनों को पानी में भीगे रहने दें, सुबह निकाल कर अच्छे से चबा चबा कर खाएं। बाद में इसका पानी छान कर पी भी सकते हैं, इससे इसका फायदा दोगुना हो जाएगा। जानिए चने खाने के फायदे। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए भीगा हुआ चना खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। चना फाइबर व प्रोटीन तत्वों से भरपूर होने के कारण हर बीमारी के खतरे को रोकता है। भीगा हुआ चना पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है क्योंकि भीगे हुए चने में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। फाइबर भोजन को पचाने में काम करता है। भीगे हुए चने खाने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। अक्सर लोग अपने वजन से परेशान रहते हैं तो भीगे हुए चने खाने से उनका वजन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। चना आंखों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें बी कैरोटीन तत्व पाया जाता है जिससे आंख की देखने की क्षमता स्वस्थ बनी रहती है। भीगा हुआ चना रोज खाने से आपको चने में मौजूद आयरन की प्राप्ति होगी। आयरन आपकी बॉडी में पर्याप्त खून की मात्रा को बनाए रखने में मदद करेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए चने का सेवन काफी फायदेमंद होता है। भीगे हुए चनों में विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है जो बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। ये तो है चने खाने के फायदे, लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि चने खाने के बाद इन दो चीजों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, इससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पहला, सुबह खाली पेट भीगे चने के सेवन के बाद बिल्कुल भी अचार का सेवन न करें क्योंकि अचार बनाने में सिरका का यूज होता है। अगर आपने चने खाने के तुरंत बाद अचार का सेवन किया तो आपके पेट में तुरंत ही जहर बन जाएगा जिससे आपके सीने में जलन, दर्द या हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, करेला सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट चने खाने के बाद करेला या करेले के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि करेले के जूस में ऑक्साइड लेवल बहुत अधिक होता है, वहीं चने में कम मात्रा में ऑक्साइड लेवल पाया जाता है। ऐसे में अगर आपने इसका सेवन किया तो यह शरीर के अंदर जाकर तुरंत रिएक्शन करेगा जिसके कारण आप धीरे धीरे कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में बहुत मजा आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।